सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हवलदार प्रजापति, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक्निकल। दोस्तों आज के हम वीडियो में यह बताएंगे आपको इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट के बारे में, जो कि आप अपने घर पर ही खुद से ही इमरजेंसी लाइट बना पाएंगे और उसका इंडिकेटर जो चार्जिंग इंडिकेटर होता है वही कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं इसमें आपको सारा डाउट क्लियर करूँगा कि इसमें क्या क्या लेंगे, कितने नंबर का रेजिस्टेंस लगेगा, कितने नंबर का डायोड लगेगा, कौन सा बैटरी लगेगा, कौन सा मेन एलईडी बल्ब लगेगा जो कि हमको प्रकाश देने वाला उसमें रहता है। तो दोस्तों आप कमेंट भी कर रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है कि किसके इसका कनेक्शन क्या है और इसमें डायोड कितने नंबर का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई भी आप मार्केटिंग में इमरजेंसी लाते हैं तो बहुत ही उसमें पैसा लग जाता है और इमरजेंसी जो होता है टिकाऊ भी नहीं रहता है। तो इसमें अगर एक और बात, यहाँ पर आप कोई भी इमरजेंसी लाते हैं और कुछ दिन चल कर ख़राब भी हो जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर सुधार भी उसको सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कनेक्शन क्या क्या रहता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करिए और उसमें आपका अपना सारा जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए मुझको, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज उसमें आपको कमेंट में ही बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इमरजेंसी में। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इमरजेंसी लाइट बनता है, कैसे इंडिकेटर बनता है, कौन सा बैटरी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट को और इंडिकेटर को बनाने के लिए कुछ आइटम लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आइटम दिखा दूं। यहाँ पर देखिए यह एलईडी बल्ब है जो कि यह 4 वोल्ट का है, यही हमारे इमरजेंसी में रहेगा। उसके बाद एक चार्जर कनेक्टर लगेगा जो 3500 नंबर है, जो कि हमारे मोबाइल में आसानी से चार्ज, अपने मोबाइल के चार्जर से भी इस इमरजेंसी चार्ज को आपका चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक 0 वाट का इंडिकेटर के लिए एक एलईडी बल्ब लगेगा। उसके बाद डायोड लगेगा 4007 MIC जो कि चार्जिंग के लिए लगेगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगेगा जो कि 1 किलो का है। उसके बाद एक लिथियम बैटरी लगेगी जो कि LG कंपनी का आप कह लीजिए, और यह लिथियम बैटरी बोला जाता है। एक स्विच लगेगा जो कि ऑन ऑफ करने के लिए इमरजेंसी का लाइट। सबसे पहले इस इमरजेंसी एलईडी लाइट में हम वायर जोड़ लेंगे। यह वायर नहीं सोल्डिंग हो पाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सोल्डर गर्म नहीं है। तो अच्छी तरह से अपने सोल्डर को गर्म कर लीजिए, उसके बाद चिपकाइए। और यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूँ, यह पेस्ट बोला जाता है, सोल्डिंग पेस्ट। अगर आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि यह क्या है, तो यह पेस्ट है। और यहाँ पर जो है यह रंगा है, सोल्डिंग रंगा है, ठीक है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यह इंडिकेटर हम तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए जो एलईडी बल्ब है इसमें एक बड़ा वायर दिया गया है और इसमें एक है यह छोटा है। तो जो बड़ा है वह प्लस है और जो यह छोटा है वह माइनस है, यानी यह रेड है या ब्लैक है। उसके बाद जो यह यहाँ पर जो रेजिस्टेंस में जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो ऊपर की वो दिख रहा है जो भूरा कलर का, वह है पॉजिटिव। यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है वहाँ पर है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम जो बल्ब का, जो एलईडी बल्ब का यह रेड वायर है, जो बड़ा वाला रेड वायर है, इसमें हम जोड़ देंगे। जो सिल्वर कलर का है आगे की तरफ हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए दोनों को एक ही में। तो देखिए हमने अच्छी तरह से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यह जो भूरा डायोड में दिया हुआ ऊपर की तरफ, यह पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पर जो है एलईडी बल्ब का नेगेटिव वायर है, तो इसमें हम इस तरह जोड़ देंगे। अच्छी तरह से आप समझिए, देखिए इस तरह हो गया। अब इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। अब इस वायर को काट लेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, फालतू है, ठीक है, हमने हटा लिया। अब इसको अच्छी तरह से हम सीधा कर लेंगे, देखिए हमने कर लिया अच्छी तरह से, यहाँ पर जो इसका मुड़ा हुआ है यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको भी हम इधर घुमा देंगे, किधर घुमा देंगे, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर 3 पॉइंट निकल गए। यहाँ पर जो डायोड का पॉइंट दिया गया है इस तरह करते हैं कि हमको सोल्डिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो यह नेगेटिव वायर है यानी ब्लैक है, यहाँ पर जोड़ लेंगे इस जो यहाँ पर दिया गया है, आप ध्यान से देखते रहिए,
देखिए हमने जोड़ लिया एक यहाँ पर बाहरी में नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव रेजिस्टेंस के आगे जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम चार्ज में लगाते हैं तो यह रेजिस्टेंस क्या करता है, इस इंडिकेटर को यानी एलईडी बल्ब को जलने नहीं देता है। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों रेड वायर है इमरजेंसी का, यानी दोनों जो पॉजिटिव वायर है हमने दोनों एक ही में जोड़ लिया है। क्या जोड़ लिया है, बैटरी का और एलईडी बल्ब का, जो मेन इमरजेंसी का जलने वाला एलईडी बल्ब है। तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ लिया है दोनों वायर का, रेड वायर का। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर सारा रेड रेड जुड़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वायर को हम कट करेंगे, कट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर जो है यह इसमें यह जुड़ाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों स्विच के पॉइंट पर हम यह वायर जोड़ देंगे। तो देखिए हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, देखिए इस एलईडी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। अब इस नेगेटिव वायर को इसमें जोड़ देंगे। अब दोस्तों हमारा यह इमरजेंसी तैयार हो गया, बस एक यह बॉडी में नहीं है, सारा चीज़ जो इमरजेंसी में तैयार होता है। अब यहाँ से हम चार्जर से लगाकर चेक करेंगे, यह इंडिकेटर चलेगा, यह बैटरी चार्ज होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने यह कमेंट किया है कि कितने देर में यह बैटरी फुल हो जाएगा, तो दोस्तों घबराइए मत, इस पर एक और वीडियो आएगी अच्छी तरह से, और उस पर मैं बताया जाएगा कि आपको बैटरी कितने देर चार्ज करना है, कितने देर में यह बता देगी, ठीक है। फिलहाल में हम यहाँ पर अब यहाँ पर चेक करेंगे इसको। यहाँ पर हम चार्ज लगाते हैं, देखिए हमने अपने बोर्ड में कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पर देखिए इस चार्जर में हमने पावर दे दिया है, अब यहाँ से हम चार्ज लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब मैं यहाँ पर चार्ज लगा रहा हूँ कि यह पिन जो है सही नहीं है, लेकिन मैंने पहले चेक किया था सही बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अप डाउन कर रहे थे, इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम यह दूसरा लगा देंगे। अब हम इसको चार्जर से अपने कनेक्ट करते हैं, यानी इमरजेंसी को चार्ज लगाते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्टर को ध्यान देना है कि यहाँ पर पिन जो जैसे है वैसे लगा, देखिए पतला वाला जो चार्जर पिन है नीचे है और यहाँ पर यह जो चौड़ा है ऊपर है, ध्यान से लगाना है आपको। देखिए हमने लगा दिया और यह इंडिकेटर जल गया, यह हमारा बैटरी जो है इमरजेंसी का चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर यह स्विच है। एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप चार्ज में इमरजेंसी चार्ज में लगाकर बारते हैं तो आपका इमरजेंसी का बल्ब जो यह होता है, जो मेन बल्ब होता है रोशनी देने के लिए हम इमरजेंसी का इस्तेमाल जो करते हैं, यह जल सकता है क्योंकि यह 4 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसमें भी सर्किट लगता है, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं लगाएंगे, यह जो बैटरी है 3.7 वोल्टेज का है, यानी 4 वोल्ट से कम ही का है, ठीक है। तो यह जो है एलईडी बल्ब यह जलेगा नहीं, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यह 4.25 वोल्टेज दे रहा है बैटरी मान लीजिए, उसके बाद यह चार्जर भी दे रहा है 4.25 वोल्टेज, ठीक है, तो दोनों मिलकर लगभग हो गया 7 वोल्टेज, ठीक है, 7 से भी बेसी हो गया, यानी 7.5 लगभग हो गया। तो समझ लीजिए कि यह 7.5 वोल्टेज इस एलईडी बल्ब को मिलेगा, यह 4 वोल्ट का है तो यह जलेगा ही ना, इसलिए कभी भी आप इमरजेंसी चार्ज लगाते समय आप ना जलाएं, ठीक है, चार्ज कर लें उसके बाद जलाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यह समझते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ बार कर, यहाँ पर देखिए यह इमरजेंसी जो है जल गया, आप देख रहे हैं जल गया है ना, तो यह स्विच लगता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। यह इमरजेंसी में, यह एक इमरजेंसी जो है बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, बस हमने इसमें बॉडी नहीं लगाया हुआ है, बॉडी भी लगाकर मैं बताऊँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कैसे यह काम कर रहा है यह इमरजेंसी। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है कनेक्टर है चार्जर का, जो कि यहाँ पर इमरजेंसी को इस बैटरी को चार्ज करता है इस एलईडी को जलाने के लिए, ठीक है। यह स्विच काम करता है इस इमरजेंसी लाइट को, एलईडी बल्ब को ऑफ ऑन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे यह काम करता है, ठीक है, कैसे यह इंडिकेटर जब हम यहाँ पर चार्जर को ऑफ करते हैं तो कैसे यह ऑफ हो जाता है, यह इस बैटरी पर यह इंडिकेटर नहीं जलता है। कुछ लोग बनाते हैं, कमेंट कर रहे थे कि जब मैं इमरजेंसी चार्जर से निकाल देता हूँ, जैसे कि मैंने चार्जर अभी ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमने चार्जर को ऑफ किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने चार्जर को ऑफ किया हुआ है, यहाँ से ऑन करेंगे तो यह इंडिकेटर जल जाएगा, यानी यहाँ से भी हम निकालेंगे आप समझ पा रहे हैं तो यह निकल जाएगा, तो यह ऑफ हो जाएगा। तो कुछ लोग यही कमेंट करते हैं कि जब हम चार्जर में से निकाल देते हैं तब भी यह इस बैटरी पर यह इंडिकेटर जलता है, तो भाई यहाँ पर जो डायोड है आप गलती जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कैसे यह काम करता है। यहाँ पर जो MIC चार्जर साथ यह डायोड आपको जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इन MIC 4007 दिख रहा है आपको, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है MIC। तो दोस्तों इसका काम क्या है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इसका काम यही है कि इस तरफ से आप अगर कनेक्शन देते हैं बैटरी का और इस तरफ आप बल्ब भी जोड़ देते हैं, तो इस तरह से बैटरी का आपका कनेक्शन आएगा और यह बल्ब जल जाएगा, ठीक है।
अगर आपका बैटरी वायर जो बैटरी आप लगाएंगे इधर से आप अगर बैटरी कनेक्शन देते हैं इधर आप एलईडी जलाते हैं तो यह काम नहीं करता है, यानी जलने नहीं देता है। जैसे एग्जांपल की तरह मैं आपको दिखा, देखिए दोस्तों यह जो है प्लस है, यह है जो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस डायोड का पॉजिटिव आ गया है, तो यहाँ पर हम जो रेड वाले वायर में है यहाँ पर देखिए हम जलाते हैं तो यह जल जाएगा, ठीक है, जल गया। उसके बाद यहाँ पर जो हम इस इंडिकेटर को प्लाट करा पुला कर दिखाते हैं, उल्टा कर दीजिए, देखिए यह नहीं जल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका यही काम है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं इमरजेंसी को। यहाँ पर देखिए हमने चार्ज लगा दिया और यहाँ पर इंडिकेटर का रेड वायर में सारा वायर जो चार्जिंग वाला कनेक्टर है रेड वाला इसमें भी जुड़ा है और बैटरी वाला इसमें भी और जो मेन एलईडी है इसी में, ठीक है। बहुत ही आसानी है इसको बनाना। और यहाँ पर जो देखिए आप जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला में थोड़ा चेंजिंग है। यहाँ पर जो देखिए जो यह डायोड लगा हुआ है यहाँ पर जो बाहरी की ओर लगा हुआ है चार्जर कनेक्टर का बाहर लगाएंगे, ठीक है, यानी इस पॉजिटिव जो आगे दिया गया है यहाँ पर जो वाइट सा आगे लगाएंगे। उसके बाद जो पीछे लगा हुआ है आप देख लीजिए जो मेन एलईडी का नेगेटिव वायर है और बैटरी का नेगेटिव वायर यानी जो माइनस है यहाँ पर हमने जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब यह चार्जर देता है तो यहाँ से यह बैटरी जो है चार्ज हो जाती है और जब इधर से आप कनेक्टर हटाएंगे चार्ज हटाएंगे तो यहाँ से बैटरी जो है यह डायोड जो है इधर पावर नहीं जाने देता है, तो आपका इस बैटरी से यह इंडिकेटर एलईडी नहीं जल पाता है, यह सिर्फ चार्जर लगाने पर जलता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यह जो है यह रेजिस्टेंस जो 1 किलो का है यहाँ पर हम इधर से हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये जो सारा वायर जो रेड है इसके आगे जोड़ेंगे यानी पाछे जोड़ेंगे, मान लीजिए पाछे जोड़ेंगे, जो आगे है सिर्फ एलईडी में लगेगा, ठीक है। यह एलईडी को इंडिकेटर एलईडी को जलने नहीं देता है, यह 1 किलो का 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और जो यहाँ पर स्विच कनेक्शन है तो आप तो समझ ही गए होंगे कि वायर को बीच में कट कर आप जोड़ सकते हैं। अब जब इमरजेंसी आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे यह लगता है, कैसे हम लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए यह ऑन ऑफ के लिए काम करता है, बस आपका इमरजेंसी तैयार हो गया, आप चला दे सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और इसमें एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका इस बैटरी से इमरजेंसी जो यहाँ बढ़ रहा है 3 घंटा चल रहा है, ठीक है, तो और एक बैटरी जोड़ दीजिए 6 घंटा हो जाएगा, और एक जोड़ दीजिए 9 घंटा हो जाएगा, और एक बैटरी जोड़ दीजिए 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने बैटरी आप जोड़ते जाएंगे उतना आपको मान लीजिए कि चार्ज देर से लगाना है। जैसे कि मान लीजिए इस यह बैटरी 2 घंटे में हो रही है चार्ज, ठीक है, तो आपको यह 2 घंटा लगाएंगे, मान लीजिए वो भी 2 घंटा, 1 घंटे, मैंने इसमें जो है क्वांटिटी आपकी जो चार्ज की कैपेसिटी है थोड़ा बढ़ते जाएगी, ठीक है, लेकिन दोगुना नहीं लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 4 बैटरी जोड़ दिए तो आप 4-5 घंटा आराम से चार्ज करिए, उसके बाद आपका सही चलेगा। और आप एक बार चार्ज लगा कर देख लीजिए 10 घंटा या 5 घंटा और 4-6 बैटरी जोड़ते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह जुड़ाएगा, मान लीजिए कि एक और बैटरी जोड़ दिए, ठीक है, तो वैसा ही इसी में पॉजिटिव में जुड़ाएगा, नेगेटिव में आप पॉजिटिव पॉजिटिव वायर जुड़ाएगा, ठीक है, तो बस सेम ही। अगर इसको मान लीजिए आपका यह 3.7 वोल्टेज है, ठीक है, यानी 4.25 वोल्ट का यह बैटरी है, तो अगर आपको इसको दोगुना करना चाहते हैं तो यह जो बैटरी का वायर है नेगेटिव पॉजिटिव एक में जोड़ दीजिए, बैटरी का वायर जो नेगेटिव पॉजिटिव एक में जोड़ दीजिए, उसके बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव एक में जुड़ेगा तो इसमें जोड़ दीजिए, इसका दोगुना वोल्टेज हो जाएगा। तो हमको दोगुना से क्या काम है, मान लीजिए कि यह 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब है तो हमको दोगुना से क्या काम है। हाँ, इसमें बैटरी अगर जोड़ते हैं तो कैपेसिटी इसका बैटरी इमरजेंसी का चलने का बढ़ जाएगा अगर और बैटरी लगाते हैं तो। यहाँ पर एक और जानकारी दूँगा, यहाँ पर देखिए इस चार्जर का जो वोल्टेज है 5 वोल्टेज है, यानी 5 वोल्टेज है यह दे रहा है, और यह जो चार्जर है 2.5 देता है, ठीक है, तो यह नॉर्मली चार्जर है। यह जो जितना आप चार्जर हाई क्वालिटी का लगाएगा उससे आपका मान लीजिए कि इससे यह बैटरी हो रहा है, आप अंदाज एक बार लगा लीजिए चार्ज कर 2 घंटा में हो रहा है, तो इससे समझ लीजिए कि आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इस इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट का अच्छी तरह से कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो से यही विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर मेरे चैनल पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।